प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से सभी कार्य बाधित था, कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा था, जिसके तहत ऑनलाइन और तकनीकी के माध्यम से अपने कार्यों की करने की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि एक साल पहले से मानव संविदा पोर्टल एवं दीक्षा पोर्टल का बेसिक शिक्षा में इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके कारण भ्रष्टाचार की शिकायतें दूर हुई हैं और शासन की बातों को जन जन तक पहुंचाने में आसान हुई है। उन्होंने कहा, हम लोग यूट्यूब के माध्यम से शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं और लॉकडाउन में भी ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षकों की ट्रेनिंग पूरी हुई है। उन्होंने बताया कि अब विभाग मानव संपदा पोर्टल शिक्षकों का डेटा अपलोड करवा रहे हैं, जिससे कि फर्जी शिक्षक पकड़ में आ रहे हैं, क्योंकि पोर्टल पर एक नाम दो बार नहीं अपलोड होता है और हम लोग तकनीकी के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था को और सुदृढ़ बना रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी ने कहा, देखिए चूंकि लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद थे, बहुत सारी गतिविधियां बाधित थीं, तो हम लोगों ने पहले भी लगभग साल भर पहले से मानव संपदा पोर्टल, दीक्षा पोर्टल और मिशन प्रेरणा के माध्यम से हम बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में तकनीक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे भ्रष्टाचार की शिकायतें भी दूर हुई हैं और शासन की बातें नीचे तक पहुँचाने में सुगमता भी हुई है। अभी यूट्यूब के माध्यम से, अन्य माध्यमों से लगातार हमारे शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रहे हैं। इस पूरे लॉकडाउन के दौरान हमने सभी शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रेनिंग की प्रक्रिया पूरी की है और मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से सभी शिक्षकों का डेटा उस पर अपलोड करा रहे हैं, जिसके कारण जो फर्जी शिक्षकों वाली समस्या थी वो भी पकड़ में आ रहे हैं, क्योंकि उस पोर्टल पर एक ही डेटा दो बार अपलोड नहीं किया जा सकता है। तो तकनीक के माध्यम से हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता में भी विस्तार कर रहे हैं और जहाँ कुछ गलत हो रहा था उसको भी हम पकड़ पा रहे हैं, ऐसी कोशिशें हम कर रहे हैं। सर,